नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस मदरबोर्ड से डिस्प्ले पैनल के लिए पीसीसी सप्लाई कैसे निकलता है उसके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि डिस्प्ले 5 वोल्ट और 12 वोल्ट का होता है, तो ये जो 5 वोल्ट और 12 वोल्ट है, ये वोल्ट डिस्प्ले में इस मदरबोर्ड से कैसे निकलता है और कौन कौन सा पार्ट्स है जो इस वोल्टेज को डिस्प्ले तक पहुंचाने में मदद करता है, तो चलिए आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे पास एक मदरबोर्ड है। तो इस मदरबोर्ड से डिस्प्ले के लिए या तो 12 वोल्ट निकलता है या तो 5 वोल्ट निकलता है। आखिर ये दो वोल्टेज किस तरह से डिस्प्ले तक पहुंचता है, जैसे कि यहाँ आप लोग देखिए, ये जो है इस मदरबोर्ड का प्रोसेसर आईसी है, इसे मेन आईसी भी बोला जाता है। तो इस प्रोसेसर से डिस्प्ले तक का सफ़र कैसा होता है, इसको आज हम डायग्राम के साथ समझेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है 12 वोल्ट सप्लाई डायोड। इस पावर सप्लाई का सेकेंडरी साइड से एसी 12 वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करता है ये रेक्टिफायर डायोड। ये दिखने में मॉस्फेट का जैसा है, लेकिन ये डायोड है। तो इस डायोड से, ये वाला टर्मिनल से, इस टर्मिनल से 12 वोल्ट बाहर निकलता है। उसके बाद यहाँ एक छोटा सा रेगुलेटर आईसी है। इस रेगुलेटर आईसी में इनपुट होते ही ये 12 वोल्ट ड्रॉप होके 5 वोल्ट बन जाता है। उसके बाद इस इंडक्टर कॉइल के थ्रू रेगुलेटर आईसी में इनपुट होता है, उसके बाद मेन आईसी में और मेमोरी आईसी में इनपुट होता है। तो आज हम जानेंगे कि डिस्प्ले में, डिस्प्ले का पैनल में यानी कि टिकन बोर्ड में, यहाँ से इस पिन से कैसे 12 वोल्ट या 5 वोल्ट बाहर निकलता है। तो जैसे कि यहाँ से अभी मान लीजिए हमारे पास एक 12 वोल्ट का डिस्प्ले पैनल है। उस डिस्प्ले पैनल में 12 वोल्ट का टिकन बोर्ड लगा हुआ है। तो उस टिकन बोर्ड में 12 वोल्ट यहाँ से किस तरह जाएगा वो मैं आपको समझाऊंगा। वो जो 12 वोल्ट है, वो 12 वोल्ट सीधा यहाँ से, ये जो रेक्टिफायर डायोड है, यहाँ से पी चैनल मॉस्फेट में इनपुट होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है पी चैनल मॉस्फेट। इस मॉस्फेट के थ्रू इस पिन से निकलता है, इस टर्मिनल से। तो यहाँ एक इसका सामने, इस मॉस्फेट का सामने और एक मॉस्फेट है। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ एक मॉस्फेट है, ये वाला यहाँ तो है ही आउटपुट के लिए। ये स्विच मॉस्फेट है, इसे स्विच के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है, ताकि हम जब भी टेलीविज़न को रिमोट से स्टैंड बाई करें यानी कि ऑफ करें, तो यहाँ से ये जो 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट यहीं पे रुक जाए, ये यहाँ से ना निकले। जब हम रिमोट कंट्रोल से टेलीविज़न को ऑन करते हैं, तो इस मॉस्फेट से ये 12 वोल्ट बाहर निकल के इस पिन में पहुँचता है और इस पिन से टिकन बोर्ड में 12 वोल्ट चला जाता है। तो
ये जो मॉस्फेट है इस मॉस्फेट से ही 5 वोल्ट और 12 वोल्ट इस पिन में पहुंचता है, उसके बाद टिकॉन बोर्ड में पहुंचता है। तो दोस्तों इस मॉस्फेट का सामने और एक मॉस्फेट है, यहाँ ये जो मॉस्फेट है ये मॉस्फेट इस मॉस्फेट को ऑन ऑफ करने के लिए है, डायरेक्ट इस मॉस्फेट को ऑन ऑफ किया नहीं जाता है, इस मॉस्फेट को इस मॉस्फेट के थ्रू ऑन ऑफ किया जाता है। और इस मॉस्फेट को ये जो प्रोसेसर है इस प्रोसेसर का मदद से ऑन ऑफ किया जाता है। तो ये किस तरह होता है चलिए हम डायग्राम के साथ समझें। मैंने एक डायग्राम बना के रखा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है रिमोट रिसीवर सेंसर, यहाँ है मेन आईसी या प्रोसेसर, उसके बाद यहाँ है एन चैनल मॉस्फेट, यहाँ है पी चैनल मॉस्फेट, और ये स्विच के लिए, यानी कि ये जो बक कन्वर्टर मैंने यहाँ पे जो आप लोगों को एक रेगुलेटर आईसी दिखाया था और ये जो कॉइल दिखाया था मैंने आप लोगों को, ये इतना सेक्शन ये बक कन्वर्टर है, इसे बक कन्वर्टर बोला जाता है, जो कि इस 12 वोल्ट को ड्रॉप करके इस कॉइल के थ्रू बाहर निकालता है। तो यहाँ से जो 5 वोल्ट निकलता है, ये 5 वोल्ट यहाँ मिल रहा है इस जगह पे, यहाँ 5 वोल्ट है और ये जो है 12 वोल्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट है, यानी कि ये जो डायोड है इस डायोड का यहाँ 12 वोल्ट मिलता है, तो यही 12 वोल्ट ये है, ये पावर सप्लाई का सेकेंडरी साइड से रेक्टिफायर डायोड से निकला हुआ ये 12 वोल्ट सप्लाई है। तो ये 12 वोल्ट और ये 5 वोल्ट यहाँ पे दोनों को सेपरेट रखा गया है। जब भी हमें टिकॉन बोर्ड के लिए 12 वोल्ट का आवश्यकता होगा तब हम इस वायर को यहाँ से इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, या तो एक 0 ओम्स का रेजिस्टर लेके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ताकि ये 12 वोल्ट हमारा इस मॉस्फेट के थ्रू डिस्प्ले पैनल में चला जाए। और जब हमें टिकॉन बोर्ड में 5 वोल्ट का ज़रूरत होगा तो हम यहाँ से एक रेजिस्टर 0 ओम्स का रेजिस्टर इसके साथ कनेक्ट करके हम 5 वोल्ट डिस्प्ले पैनल को दे सकें। तो यहीं से चूज़ किया जाता है 12 वोल्ट और 5 वोल्ट को। तो यहाँ जो रेजिस्टर लगता है ये है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा या नहीं मालूम नहीं, आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ एक रेजिस्टर है 0 ओम्स का, यहाँ एक 0 ओम्स का रेजिस्टर है, तो इसी रेजिस्टर से 5 वोल्ट और 12 वोल्ट को चूज़ किया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए जब हम रिमोट कंट्रोल से टेलीविज़न को पावर ऑन करते हैं तो इस रिसीवर में वो कमांड सिग्नल इनपुट होता है, और ये कमांड सिग्नल मेन आईसी में इनपुट होता है, यहाँ पे यहाँ इनपुट होता है, उसका बाद इस मेन आईसी या प्रोसेसर से एक एनेबल वोल्टेज बाहर निकलता है, और निकल के ये जो एन चैनल मॉस्फेट है इस एन चैनल मॉस्फेट का गेट में इनपुट होता है। तो जब इस मॉस्फेट का
गेट में ये एनेबल वोल्टेज इनपुट होता है, तब यहाँ से जो नेगेटिव ग्राउंड वोल्टेज इसका सोर्स में इनपुट हो रहा है, ये ग्राउंड वोल्टेज ड्रेन से बाहर निकलता है। ड्रेन से बाहर निकल के ये पी चैनल मॉस्फेट का गेट में इनपुट होता है। जब इस पी चैनल मॉस्फेट का गेट में इनपुट होता है, तभी साथ ही साथ यहाँ से जो हमने वोल्टेज सिलेक्ट किया है वो वोल्टेज ड्रेन से बाहर निकलता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है पैनल वोल्टेज को स्विच करने का, क्योंकि इस मॉस्फेट के थ्रू डायरेक्ट स्विच इसीलिए किया नहीं जाता है ताकि यहाँ हाई वोल्टेज होता है, और ये हाई वोल्टेज एक्सीडेंटली अगर ये मॉस्फेट शॉर्ट हो जाए तो ये प्रोसेसर आईसी खराब हो सकता है। इसीलिए इस प्रोसेसर आईसी को सेव करने के लिए दूसरा एक मॉस्फेट के थ्रू इस मॉस्फेट को स्विच किया जाता है। तो यहाँ जो दो मॉस्फेट लगा हुआ है, ये दो मॉस्फेट SOT23 केस में होता है। ये जो एन चैनल मॉस्फेट है, इसका नंबर है यानी कि इसका कोड है .H1A। ये एन चैनल मॉस्फेट है, और यहाँ जो मॉस्फेट है, इस मॉस्फेट का कोड है D11HG। तो ये पी चैनल मॉस्फेट है। तो दोस्तों, इसी तरह एक डिस्प्ले पैनल का वोल्टेज स्विच होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। जिन्होंने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।